हेलो गाइस, वेलकम बैक आवर चैनल मिसेस शिवांगी अनुराग में। आज हम लोग का कोई प्लान तो नहीं था घूमने का, लेकिन बट हम लोग अचानक से प्लान बना लिया अपना कि हम गोरखपुर के चिड़ियाघर में घूमने जाएंगे, जो अभी नया नया खुला हुआ है। उसको मतलब ज्यादा बने हुए टाइम नहीं हुआ है, तो सोचा कि वहाँ घूम के आते हैं ताकि देखें वहाँ अभी कैसा क्या हुआ है और कितने जानवर आ गए हैं वहाँ पर और कैसा बना हुआ है। तो यहाँ पे आए हुए थे तो कोई प्लानिंग था नहीं हम लोग घूमने का, लेकिन हम लोग कहें कि लाओ चलते हैं, क्योंकि अभी हम लोग कानपुर चले जाएंगे, फिर हम लोग गोरखपुर शहर घूम नहीं पाएंगे। देखिए हम लोग बाइक पे बैठे हुए अपने, नौका बिहार का मेन डोर है, यहाँ से एंट्री की जाती है नौका बिहार के लिए। ये देखिए कितने सुंदर सुंदर रूम सजे हुए जा रहे हैं। और अभी हम लोग पहुंच चुके हैं चिड़ियाघर, तो आप लोग इसका बाहर से व्यू देख रहे होंगे। ये एंट्री डोर है, ये देख रहे हैं, ये टू व्हीलर पार्किंग एरिया है जहाँ पे अभी हम लोग भी पार्किंग करेंगे। ये है दोस्तों चिड़ियाघर का फ्रंट व्यू, जिसका नाम है शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान गोरखपुर, इसका पूरा नाम है। ये देखिए गाइस, लंबी गर्दन वाला जिराफ, रियल में तो नहीं होगा बट बाहर से इनको बनाया गया है। और देखिए गाइस, हम लोग जा रहे हैं अब टिकट काउंटर की तरफ टिकट लेने।
चेहरा याद रहेगा जानवरों को। आइए देखिए दोस्तों, आपको एक चीज दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों क्या कारीगरी है, शकल बंदर की, बॉडी कुत्ते का। देखिए दोस्तों, शकल बंदर की है और बॉडी कुत्ते की है, अद्भुत कारीगरी। यार शेर नहीं दिख रहा है, हम लोग को शेर चाहिए था यार। आप लोग देखिए लेपर्ड के पास पहुंचने वाले हैं, चलिए आप लोग को दिखाते हैं लेपर्ड। ये देखिए शेर को लहरी की तरह बुला रही हैं। हे गाइस, देखिए हम लोग पहुंच चुके हैं एशियाई शेर के पास, जिसका हम लोग से बहुत इंतजार था, और देखते हैं किधर है, अभी खोजना पड़ेगा, थोड़ा दूर बैठा होगा मुझे पता है। गाइस गाइस गाइस, वो देखिए वो बैठा है, मैं जूम कर रहा हूँ, वो देखिए। आप लोग को थोड़ा लकड़ी जैसा कुछ पड़ा लग रहा होगा, लेकिन वो लकड़ी नहीं है, शेर है, शेर। हाँ, जस्ट लकड़ी के बगल में है, वो देखिए आप। आइए गाइस, आपको शेर से मिलवाते हैं। देखिए ये शेर, ये पालतू है यहाँ का, और आप लोग भी देख सकते। ये देखिए, कोई खिला सकता है शेर को इतना? देखिए अब ये शेर के ऊपर बैठने जा रहे हैं। मरियल शेर है ना, इसलिए बैठ गए। और क्या, ऐसा आपको जेब्रा दिखाता हूँ। जेब्रा वो देखिए, जेब्रा है वो देखिए। मैं उसके पास जा रहा हूँ और चुपके से उसके पीछे बैठूंगा, आप लोग देखिएगा, ठीक है? संगे मोबाइल पकड़ो, जल्दी मोबाइल पकड़ो, मैं जाकर जेब्रा के पीछे से बैठूंगा, ठीक है? हम लोग को देख ना ले, और आप लोग देखिएगा कि मैं किस तरफ बैठता हूँ, ठीक है? ये देखिए गाइस, ये हिप्पो है, दरियाई घोड़ा, पानी के मजे ले रहा है ये सब। मगरमच्छ टाइप का लग रहा नाक से। कितना बड़ा मुंह खुला, ये देखो, बहुत बड़ा मुंह खुलता है। देखिए गाइस, हम लोग और सांप घर आ चुके हैं, देखिए ये, चलिए आपको अंदर के भी दिखाते हैं। और आजकल को देखो, ये हैं दो, बाजू फटने लगेगा। अब हम लोग बटरफ्लाई हाउस आ चुके हैं, तितली घर। ये बताइए, आज घूमी है आप गोरखपुर का जू, कैसा लगा आपको? अच्छा लगा? काफी थक गई है ना?
काफी थक चुकी हैं, काफी बड़ा है पर कानपुर से बड़ा नहीं है। आप लोग आएंगे तो आप लोग को ये अच्छा लगेगा यहाँ पे कि यहाँ पे आपको सब कुछ पास पास में देखने को मिल जाएगा। और कानपुर में तो काफी दूर दूर है, और कानपुर में काफी अच्छा नेचुरल आवास, मतलब ये समझिए कि नेचुरल घर उन लोग को दिया गया है। और यहाँ पे तो लग रहा है कि हाँ पिंजड़े में बंद हैं, और हो सकता है इन्हें कोई प्रॉब्लम हो रही हो, लेकिन कोई टेंशन नहीं। फिर भी यहाँ पे भी मस्त है, काफ़ी पास पास में है। यहाँ पे हम लोग घूम के काफ़ी अच्छा लगा, मज़ा आया। जो जो नहीं देखा था वो भी देखने को मिलता है तू आने पर। सबसे गंदा मुझे यहाँ पे मगरमच्छ और घड़ियाल लगा। हाँ। क्योंकि इतने इतने गंदे इतने गंदे, सबसे सुंदर बाघ लगा। आपको क्या लगा? बाघ लगा, लेपर्ड भी लगा। हाँ, लेपर्ड भी काफी अच्छा था, सुंदर दिख रहा था। और क्या लगा? बस गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती, वरना हमारी जो वाइफ है ना वो सब कुछ पाल लेती, सारे जानवर घर में ही पाल लेती। सबसे बड़ी एनिमल लवर मुझे लगता है यही होंगी। मतलब कि आप ये समझिए कि बुरे वक्त में हस्बैंड ही काम आता है। देखिए सहारा ली हुई है मेरा। कहते हैं ना कोई कंधा देने वाला भी होना चाहिए जब टाइम खराब हो तो बस वही बात है, ये है मेरे कंधा देने वाले हस्बैंड जी। हाँ हाँ सर, उसके बहन अभी आती हैं तो हस्बैंड जी थक चुकी हैं काफी बुरी तरह। जा रहे हैं हम लोग एक्वेरियम की तरफ।
और क्या बोला जाता है, यही तो बोलता है, बोला जाता है। जब भी हम चाहे कानपुर का हो या यहाँ गोरखपुर का हो, जब भी हम चिड़ियाघर जाते हैं तो याद रखते हैं और सोचते हैं कि दोबारा फिर नहीं आएंगे। इतना घूमना पड़ जाता है पर फिर भी चले आते हैं। नेचुरल चीज देखने का मजा ही कुछ और है यार। ये जानवर वानवर क्या हम लोग देख पाएंगे क्या अपने? बस यही है, एग्जिट गेट है। चलो बस दोस्तों, आज का कोटा कंप्लीट। हम लोग घूम चुके हैं, ये आप लोगों ने पूरा जू का नज़ारा देख लिया। तो कमेंट बताइए कि आपको कैसा लगा गोरखपुर का जू। बड़ी मेहनत से वीडियो बनाते हैं यार हम लोग, थोड़ा शर्म के साथ, थोड़ा लिहाज के साथ। तो आप लोग सब्सक्राइब किया करिए, थोड़ा मन से और थोड़ा बिना मन के भी लाइक कर दिया कीजिए, कमेंट कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।